दोस्तों भारत के उभरते नौजवान खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को आप आईपीएल 2023 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से गदर मचा दिया। उन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। दोस्तों आईपीएल 2023 के 56वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके ही घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और मेहमान टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 149 रन बनाए। केकेआर की ओर से वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतक ठोकते हुए सबसे ज्यादा 57 रन की पारी खेली। राजस्थान के लिए युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट लिए। ट्रेंट बोल्ट ने भी 2 विकेट लिए, जबकि संदीप शर्मा और केएम आसिफ को एक एक सफलता मिली। इस वजह से कोलकाता की टीम 8 विकेट खोकर 149 रन ही बना सकी। इसके जवाब में राजस्थान ने 13.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। यशस्वी ने 47 गेंदों में 98 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 12 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। संजू सैमसन 48 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें शानदार 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। केकेआर के गेंदबाज एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। राजस्थान का सिर्फ 1 विकेट गिरा, जिसमें जॉस बटलर बिना खाता खोले रन आउट हो गए। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने केकेआर के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और जमकर धुनाई की। मैच के हीरो रहे राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल, जो सिर्फ 2 रनों से शतक से चूक गए। लेकिन इससे पहले जायसवाल ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम कर लिया। यशस्वी ने सिर्फ 13 गेंदों में 50 रनों का आंकड़ा छू लिया। यशस्वी ने नीतीश राणा के पहले ओवर में 26 रन ठोक दिए। कार की इस जीत के बाद लखनऊ, बेंगलोर, पंजाब और कोलकाता पर प्लेऑफ में पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। अब इन सभी टीमों के बचे हुए मैच में करो या मोरो की स्थिति आ पहुंची है। दिल्ली और हैदराबाद की टीमें लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अब कोई चमत्कार ही इनको बचाए। फिलहाल गुजरात पहले, चेन्नई दूसरे, राजस्थान तीसरे, जबकि एमआई की टीम तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आईपीएल 2023 के अंतिम चरण में अभी रोमांच बाकी है। तो इन सभी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।